हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एग्रीकल्चर फील्ड की सरकारी नौकरियों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक एग्रीकल्चर किया है तो आप इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये नौकरियाँ कहाँ और कैसे मिलेंगी और सैलरी पैकेज कितना रहेगा। सभी जरूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपको भविष्य में करियर और एजुकेशन के बारे में वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं अपना वीडियो। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, IAS और IPS की तरह ही IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की परीक्षा का भी आयोजन करता है। एग्रीकल्चर फील्ड में ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये एक बेहतर विकल्प है। IFS की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को वन विभाग में असिस्टेंट इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर और अन्य पदों पर नियुक्ति मिलती है। BSc एग्रीकल्चर के अलावा बीटेक एग्रीकल्चर की डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थी IFS परीक्षा दे सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC हर साल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए हजारों नौकरियां निकालता है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में भर्ती की जिम्मेदारी SSC की है। SSC हर साल लैब असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, एग्रीकल्चर ऑफिसर, फोरमैन आदि की भर्ती करता है। इन पदों के लिए सबसे पहले एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है और उसके बाद इंटरव्यू के आधार पर नौकरी मिलती है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS बैंक में काम करने वाले एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन करता है। हर साल आयोजित होने वाली इस परीक्षा को एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री आदि में डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही दे सकते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद विभिन्न सरकारी बैंकों में उम्मीदवारों को नियुक्ति मिलती है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR में भी एग्रीकल्चर डिग्री धारकों के लिए सरकारी नौकरी के कई विकल्प होते हैं। ICAR जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो, टेक्नोलॉजिस्ट, शोधकर्ताओं आदि की नौकरी के लिए आवेदन मांगता है। इन नौकरियों के लिए एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट डिग्री के साथ नेट योग्यता भी होनी चाहिए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। FCI एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए हर साल टेक्निकल ऑफिसर और टेक्निकल मैनेजर जैसे पदों पर नियुक्ति करता है। इन पदों पर परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर नियुक्ति मिलती है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी NABARD भारत में ग्रामीण और कृषि विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाला संस्थान है। यह संस्थान तकनीक और इनोवेशन के जरिए विकास कार्य करता है। FCI की तरह NABARD भी हर साल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को कई पदों पर नियुक्त करता है, जिसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर मैनेजर आदि शामिल होते हैं। NABARD में भी परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर नौकरी के लिए उम्मीदवार का चयन किया जाता है। अब सबसे जरूरी बात, इन सभी सरकारी नौकरियों के लिए आपको शुरुआती वेतन 8 लाख से 13 लाख रुपए तक मिल सकता है। एग्रीकल्चर फील्ड में सरकारी नौकरी के अलावा कई तरह के व्यवसाय भी शुरू किए जा सकते हैं जिनकी कमाई लाखों में होती है, जिसकी जानकारी हम आगे कभी देंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनों से शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। आप किस करियर से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।